आज से 5 साल पहले मैं आप ही की तरह एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा स्टूडेंट था। मैं अपनी बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था, बट बिल्कुल केयरलेस लाइफ थी। आराम से 12-1 बजे उठना, उसके बाद घर वालों के साथ शरारत करना, मम्मी को परेशान करना, मम्मी के साथ शरारत करना, पापा के साथ पूरा दिन टीवी देखना, क्रिकेट देखना, मैचेस देखना, मतलब इंजॉय करना लाइफ को। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन स्टूडेंट्स की तरह पूरा दिन रोम अराउंड करना, ट्यूशन लेट जाना, पार्क में घूमना, और स्टूडेंट्स की तरह दोस्तों के साथ अपना टाइम पास करना, कभी फ़ोन पे गेम खेलना, कभी फ़ोन पे हंसते रहना। तो मैं उस टाइम पे सोचता था कि क्यों ना कुछ बिजनेस करा जाए। मैं अपने कज़न के साथ, अपने भाई के साथ ये सोचता रहता था पूरा दिन कि क्या बिजनेस करें। और सडनली एक दिन हम अपने एक नेबर को देखते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं कि वो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, कंटिन्यूसली अच्छी कार्स ड्राइव कर रहे हैं। तो उस मोमेंट पे हम सोचते हैं कि ऐसा करते क्या है। तो हमने एक दिन डिसीजन बनाया कि उनसे पूछते हैं। उन्होंने हमें एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और उसी टाइम हमने फॉरएवर स्टार्ट करने का डिसीजन लिया एंड वी स्टार्टेड। अचानक से ही फॉरएवर की लाइफ में ही आते बहुत सारे चेंजेस होने लगे। मेरा लेजी वर्जन एक रिस्पॉन्सिबल वर्जन में बदल गया। जो लड़का 12-1 बजे उठता था, वो सुबह टाइम से 9-10 बजे उठने लगा, सुबह सुबह उठ के लर्निंग्स करने लगा। उसके साथ साथ मैंने ये सोचा कि क्यों ना इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा जाए, मेट्रो में जाया जाए, मेट्रो में जाके लोगों से बात करी जाए। ऐसा नहीं था, सब सुनते थे। उस टाइम पे बहुत लोगों ने मना किया, लोगों ने इग्नोर मारना स्टार्ट किया, लेकिन मेरे को पता था कि एक ना एक दिन मेरी यही रिजेक्शंस पॉजिटिव आउटकम्स में कन्वर्ट होंगी। धीरे धीरे टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे लेवल्स होना स्टार्ट हुए, और इस जर्नी को मैंने स्टार्टिंग से ही बहुत तेज़ी से इस चीज़ में लेवल्स अचीव करने के लिए पुश किया, क्योंकि मेरे को पता था जितनी जल्दी मैं फॉरएवर में लेवल्स अचीव करता जाऊँगा, उतनी जल्दी मेरे लिए फॉरएवर ईजी होता जाएगा। और उसी के साथ साथ एक 18 साल के बच्चे का मात्र 6 महीने में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर लेवल, जो बहुत सारे लोगों का ड्रीम लेवल होता है, वो अचीव हुआ। तो हमने उस टाइम पे एक कम्युनिटी फॉर्म करी कि अगर आप इतना बिजनेस बिल्ड करते हो, ये चीज़ें अचीव करते हो, तो हम आपको अपनी पर्सनल पार्टीज में इनवाइट करेंगे। बहुत तरीके की हमने पार्टीज रखी उस टाइम पे। फ्लो में हम चलते गए और मेरा एक बहुत मेजर कार्पलन लेवल 3 और सोरिंग मैनेजर क्वालिफाई हुआ, और उस खुशी को एकदम से पैंडेमिक ने डिसरप्ट कर दिया। सारे बिजनेसेस बंद हो गए, एकदम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किया। और जैसे ही लॉकडाउन इंट्रोड्यूस हुआ, मुझे ऐसा लगा कि अब हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। हमने अपना सारा बिजनेस ऑनलाइन सेगमेंट पे शिफ्ट किया, वेबिनार्स डिज़ाइन किए, वेबिनार्स करना स्टार्ट किया। और क्या हुआ, जहाँ ऑफलाइन ज़माने में 100 लोगों की मीटिंग होती थी, 200 लोगों की मीटिंग होती थी, बट वही मीटिंग 200 से 1000 लोगों की मीटिंग में बदल गई। आई स्टिल रिमेंबर, ऑनलाइन बिजनेस की वजह से ही मैंने लाइफ में पहली बार 7 फिगर्स मंथली इनकम को हिट किया था। और वो दिन है और आज का दिन है कि उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि मैं फिर से एक और ऑफिस ओपन करता हूँ, जिसपे मैं लोगों को बुला सकूँ, उन्हें एक एनवायरमेंट दे सकूँ। जब मैं लाइफ में इतनी आगे बढ़ चुका हूँ, मेरी इनकम इतनी ग्रो हो चुकी है, तो क्यों ना मैं अपने लिए भी कुछ करूँ। तो उस टाइम पे मैंने अपने आप को एक रेंज रोवर एज अ प्री बर्थडे गिफ्ट दी, जो मेरे को एक, मतलब शुरू से कहते हैं ना ड्रीम, वो मेरी ड्रीम कार थी। और मैंने सोचा कि अब अपने ड्रीम को भी पूरा करने की बारी आ चुकी है। इन सारी अचीवमेंट्स को रियलाइज करते करते मुझे पता भी नहीं लगा कि कब मैंने फॉरएवर में एक बहुत प्रेस्टीजियस लेवल और बहुत यंग एज में यंगेस्ट डायमंड सफायर मैनेजर का लेवल अचीव किया। आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई हैव क्वालिफाइड फॉर GLT एंड आई एम द ओनली एंड यंगेस्ट GLT इन FLP इंडिया राइट नाउ। और ये एक मैसेज आप लोगों के लिए भी है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हो, अगर मैंने इस जर्नी को जिया है तो आप सब भी ये जर्नी जी सकते हो।
आई बिलीव इन चेंजिंग लाइव्स। आई एम कृष्णा, आई एम फॉरएवर।